नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन सासू माँ की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सूरती लोचा। हाँ जी, ये हमारे सूरत का फेमस है डिश है, इसको लोचा कहा जाता है और आज हम ये जैन विधि से बनाएंगे। साथ में हम इसका जो मसाला है वो भी हम घर पे ही बनाएंगे, इससे इसका स्वाद जो है दुगना तिगना बढ़ जाएगा। हमने बटर लोचा और चीज़ लोचा बनाए हैं, आप चाहे तो तेल वाला लोचा भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खाने में पौष्टिक होता है, साथ में बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, हमने चीज़ लोचा बनाया है, आप इसका टेक्सचर देख के ही आप समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया बना होगा। तो चलते हैं बहुत ही आसान विधि से लोचा बनाने। इसके लिए हमको चाहिए एक कटोरी चना दाल, साथ ही हमने चाहिए इसके एक कटोरी चने के दाल के अंदर हमको चाहिए 2 चम्मच उड़द की दाल। तो रेशो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको एक बर्तन में डालेंगे और तकरीबन 4 से 5 बार अच्छी तरह पानी से इसको वॉश करेंगे। ये देखिए, अब इसको 4 घंटे के लिए आप कम से कम भिगो के रख दीजिए। ये देखिए कितना अच्छी है, हमारी दाल फूल गई है। अब हम इसका पानी निकाल के इसको मिक्सी जार में डाल के इसको बहुत अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। लेकिन इसके अंदर अभी हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है और 1 चम्मच ही हमने पोहा लिया है, ये जो पोहा होता है वो पोहा लिया है। साथ ही हमने 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसमें जाएगा 2 चम्मच दही। और अब इसके अंदर डालेंगे हम इसको पीसने के लिए 1/2 कप पानी, और इसको हम बहुत अच्छी तरह फाइन एकदम बारीक हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए कितना हमको बारीक पीसना है। ये देखिए इस तरह इसका इसका टेक्चर हो जाना चाहिए। अब हम इसको बर्तन में डाल के ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखते तो 4 से 5 घंटे रखें, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। कुछ लोग तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट इसको रखेंगे तो इसका जो खाने का जो स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब इसको हमको ढक के ओवरनाइट रख देना है। ये देखिए सुबह में हमारा इसका टेक्सचर कैसा हो गया, ये देखिए कितना अच्छा सेट हो गया ना। इसलिए मैंने इसको आपको ओवरनाइट रखने के लिए बोला था, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप रात का भीगा हुआ नहीं खाते हैं तो तुरंत पीस के भी बना सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, साथ ही डालेंगे हम 2 चुटकी हल्दी। हल्दी ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 2 चुटकी डलेगी। अब हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल, ये रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये जितनी हमारा जो घोल बना है ये हमारा 2 बर्तनों के लिए तैयार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक हम आधा इसमें से अलग रख देंगे, क्योंकि हमको इसमें इनो डालना है। तो अगर हमने इनो डाल के हम इसको बचा के नहीं रख सकते तो हमने 2 बर्तनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी भर हींग, और जो ये इनो का एक छोटा सैसे आता है इसमें से हम आधा इसमें डालेंगे और आधा जो हमने बचाया है वो उसके अंदर डालेंगे। मैंने 2 पार्ट इसलिए करे हैं ताकि मैं आपको 2 तरह से बताऊं कि कढ़ाई में हमको कैसे बनाना है और जो इसका बर्तन आता है उसमें हमने कैसे बनाना है। अब हमको इसके अंदर 1 कप जितना हमको पानी ढल जाएगा, बहुत कम पानी डालेंगे तो वो खमन बन जाएगा, ढोकला बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो भी वो लिक्विड ही जैसा हो जाएगा। तो हमको इसका पानी का रेशियो देखिए आपको कितना डालना है, ये इस तरह से पतला होना चाहिए। बहुत गाढ़ा जो होता है वो फिर एकदम जम जाता है, तो हमको बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। तो करीबन 1 कप पानी इसके अंदर डल जाएगा। अब हमने एक बर्तन को ग्रीस करा और ये हमने लिक्विड हमने इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना पतला है ये। अब इसको 1 से 2 बार इसको टैप करेंगे और इस तरह से इसका एक बर्तन आता है स्टीम करने का, उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। ढक्कन लगा के तकरीबन हमको 20 मिनट रखना है, मीडियम टू स्लो गैस पे रखेंगे, एकदम परफेक्ट हमारा बनके तैयार होएगा। अब मैंने बताया था मैं 2 तरह से बताऊंगी, एक तो मैंने बताया इस तरह से जो आपका स्टीम का बर्तन आता है उसमें बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टीम वाला बर्तन नहीं है तो आपको कैसे बनाना है, तो आप कढ़ाई में बना लीजिए। सेम मेथड से हमने ये भी पूरा घोल तैयार करा है। इस तरह से कोई भी आप एक बर्तन ले लीजिए, ग्रीस करिए और ये इसके अंदर डाल दीजिए। और एक कढ़ाई लेनी है अभी हमको, इस तरह से आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर बर्तन के कढ़ाई के अंदर हमको एक छोटा बर्तन कटोरी कुछ भी रख देनी है, पानी डाल देना है और इस तरह से बर्तन रखना है कि वो दीवारों से टच ना हो कढ़ाई की। इस तरह से आपको रख दिया। अब इसके ऊपर हमको एक ढक्कन लगा देना है, ये देखिए, और इसको भी हमको तकरीबन 20 मिनट के लिए
रख देना है। अब हम इतने ये पकड़ा है, इतने हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए आधा चम्मच हमको चाहिए भुना हुआ जीरा, साथ ही हमको आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और चौथाई चम्मच या उससे भी कम हमको काली मिर्च। अब हमको इसको चारों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये मसाला बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी मसाले से इसका टेस्ट आएगा। और देखिए आपने सारी चीज़ें हमने घर की ही यूज करी है। अब देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हम देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया ये हमारा। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, एकदम जो गाढ़ा एकदम थिक होता है वो हमारा खमन जैसा बन जाता है। उसके हम टुकड़े करके कट करके हमको लिया जाता है और जो लोचा होता है वो ये टेक्सचर होता है लोचे का। तो ये देखिए मैंने दोनों तरह से मैं निकाल के बताऊंगी। ये हमने जो कढ़ाई वाला लिया था ये वो वाला है, इसके अंदर अपने ये मसाला डाल दिया है। और इसके अंदर आप तेल डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये जो हमने स्टीमर जो हमारा था स्टीमर के अंदर हमने बनाया है, ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसका मेन जो है हम ठंडा करके नहीं खा सकते। जब आपको खाना होता तभी ये गरम गरम बनाया जाता है और सर्व करा जाता है, तो आप इसको पहले से बना के नहीं रख सकते। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, ना गाढ़ा ना पतला, जो एकदम परफेक्ट इसका जो टेक्सचर आता है वो सेम टेक्सचर हमारा बन के तैयार हुआ है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर मसाला। मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये हमने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, अब हम इसके अंदर बटर डालेंगे। आप चाहे तो हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, उसका भी कुछ लोग ऑयल वाला बटर ही ये लोचा खाते हैं। मैंने बटर वाला बनाया है, साथ ही हमने यहाँ पर चीज़ लिया है। ये जो हमने बटर और जो हमारा चीज़ है ये दोनों हमारा घर का बनाया हुआ तैयार करा हुआ है। तो ये हमारा जैन विधि से पूरा हमारा बनके तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको अदरक डालना। और चीज़ और बटर ये मेरा घर का बनाया हुआ है, आप चाहें तो तेल में भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।